जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी प्लान्स बनाने में काफ़ी तेज़ है, लेकिन उन प्लान्स की इम्प्लीमेंटेशन में उतनी ही ढीली है। जम्मू में स्लॉटर हाउसेज यानी कि कसाई खानों को लेकर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने मास्टर प्लान में बड़ी बड़ी बातें की। ये कहा गया कि जम्मू में दो मेन स्लॉटर हाउसेज बनाए जाएंगे, एक नॉर्थ एरिया में, नॉर्थ में अखनूर में दयारन के पास एक बड़ा स्लॉटर हाउस बनाया जाएगा। साथ ही साथ साउथ की अगर बात करें तो विजयपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में एक और स्लॉटर हाउस बनाया जाएगा। साथ में JDA ने अपने मास्टर प्लान में ये तक कहा कि सिटी में जो ऑलरेडी कसाई खाने चल रहे हैं उन्हें भी रिवैम्प किया जाएगा, उनकी भी शक्ल सूरत बदली जाएगी, उधर नई नई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। फैसिलिटीज़ में क्या क्या, वेइंग मशीन्स, क्वालिटी कंट्रोल के लिए फैसिलिटीज़, ट्रीटमेंट प्लांट, ये सारी चीज़ें JDA ने कही तो सही, लेकिन जब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की तो हमें सूत्रों से ये मालूम चला कि जो मास्टर प्लान है ये केवल एक विजन डॉक्यूमेंट है। ये सारे प्लान्स JDA बना तो लेता है, लेकिन उन प्लान्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जोनल प्लान्स बनने होते हैं। जोनल प्लान्स के अकॉर्डिंग ही फिर डिसाइड होता है कि किस एरिया में एग्जैक्टली एरिया आइडेंटिफाई होता है कि कहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस तरह से बनाया जाएगा, इक्विपमेंट्स लाए जाएंगे, कैसे एक स्लॉटर हाउस क्रिएट किया जाएगा। तो वो जोनल प्लान्स जो हैं वो अभी तक बनाए ही नहीं गए और ये मास्टर प्लान पास हुए 2 साल बीत चुके हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जम्मू में अगर बात करें तो स्टेट ऑफ द आर्ट कसाई खाना 1 हेक्टेयर की लैंड में बनाया जाएगा, वो भी बड़ी ब्राह्मणा के इंडस्ट्रियल एरिया में। साथ में टैनरीज होगी, चमड़ी के कारखाने, वो भी बनाए जाएंगे। लेकिन ये सब बातें करने के बाद आखिर में अपना पल्ला झाड़ने के लिए JDA ये कह देती है कि भारत के संविधान के 12th schedule के अकॉर्डिंग टैनरीज, स्लॉटर हाउसेज, एबिटॉयर्स, ये कसाई खानों को रेगुलेट करने का काम जो है वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है और अर्बन लोकल बॉडीज़ का है। तो अगर बात ये है तो फिर इतने बड़े बड़े प्लान्स अपने मास्टर प्लान में लाने की आखिर ज़रूरत क्या है।